हेलो फ्रेंड्स मैं रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चीज़ पोटैटो रोल्स की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बनके तैयार हुई थी और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तो यहाँ पर हमने लिए हैं तीन बॉयल्ड पोटैटो गाजर शिमला मिर्च हरी मिर्ची और दो लहसुन की कलियाँ और एक थोड़ा सा चीज़ मेरे पास में रखा होता तो मैंने ले लिया वो ऑप्शनल है आप चाहो तो ले लो नहीं तो नहीं थी आलू को घिस लेंगे थोड़ा सा और उसमें मैंने मिक्स कर लिया है लहसुन की जो गलियाँ हमने धोल रखी थी उसको भी इसी में घिस के मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे अब एक फ्राइंग पैन में हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा इसमें अब डालेंगे हरी मिर्ची प्याज और जो सब्जियाँ शिमला मिर्च और गाजर जो हमने बारीक बारीक काट के रखी थी उन सभी को इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग पका लेंगे थोड़ा सा शलो फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चा सब्जियों का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए आलू तो हमारे ऑलरेडी बॉयल्ड है तो अब इसमें डालेंगे सीजनिंग कर लेंगे थोड़ा सा हमने डाला है नमक और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च कैमरे में सारी उड़ती हुई कितना स्प्रिंकल जैसी दिख रही है तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और जो ऑरिगेनो होती सीजनिंग होती है वो मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड करी है तो उसके इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे अब यहाँ पे हमने डाल आपने आलू को जो हमने घिस के रखा हुआ था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से सारी सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अभी जो पनीर का थोड़ा सा टुकड़ा मेरे पास में रखा हुआ था तो वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है बिल्कुल ऑप्शनल है आपके पास हो तो आप मिला लीजिए नहीं हो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पर इससे ये होगा कि पनीर जो फिलिंग का जो स्वाद है वो काफ़ी बढ़ जाएगा वैसे तो हम इसमें चीज़ भी मिक्स करेंगे तो चीज़ के आगे तो कुछ लगता ही नहीं है तो हमारी सब्ज़ी जो है वो काफ़ी बन गई है तो मिक्सचर जो बन गया है और हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसे बाउल में निकालने के बाद में इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे पूरा ठंडा नहीं करना है थोड़ा सा ठंडा करेंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं मोजरेला चीज़ तो हमारे चीज़ रोल्स हैं चीज़ पोटैटो रोल्स है तो उसमें चीज़ तो बनता ही है थोड़ा सा गर्म इसमें डालेंगे तो क्या होगा कि हमारा चीज़ जो है वो मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और वो एक अच्छी बाइंड भी देगा हमारे मिक्सचर को तो अब हमारा मिक्सचर पूरा ठंडा हो चुका है अब मैं इसके रोल्स बना रही हूँ आप चाहो तो इसे गोल शेप में भी कर सकते हो पर मैंने तो इसे रोल्स में किया है और इसी तरीके का शेप अच्छा भी लगता है शादी पार्टी अरे शादी बोल रही हूँ सॉरी पार्टी वार्टी में बच्चों की जो बर्थडे पार्टी हो उसमें इस तरीके के स्नैक्स बच्चों को अच्छे लगते हैं तो अब यहाँ पर हमने ब्रेड लिया है और ब्रेड के हमने जो साइड से उसको कट कर लिया है और उसको थोड़ा सा बेल के हम लोग फ्लैट कर लेंगे तो यहाँ पे हमें स्लरी बना रही हूँ एक चम्मच मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के इसकी स्लरी बना लेंगे क्योंकि इसे हमें जोड़ना जो पड़ेगा ना उसके लिए हमने तो अब ये, मैंने ये रोल को है इस तरीके से बीच में रख लिया है और अब हम इस ब्रेड को इसमें चारों तरफ से अच्छे से लपेट लेंगे स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपकी ब्रेड टूटेगी पर आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, भी ब्रेड टूटेगी तो चलेगा क्योंकि अभी हम जो है इसको अच्छे से पैक कर लेंगे आप आगे वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पे जो स्लरी मैंने बनाई थी उसको कॉर्नर में मैंने इसमें लगा दिया है तो इससे क्या होगा ये जो रोल है हमारा अच्छे से चिपक जाएगा इसमें ब्रेड जो है वो कॉर्नर से अच्छे से चिपक जाएगी और हमारी जो सीलिंग है वो खुलेगी नहीं इस वक्त आप देखें ऐसा लग रहा है इसे बिखर रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं अब ये जो पानी हमने लिया है इस पानी को हमें अच्छे तरीके से लगा लगा के ब्रेड को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है और हमारा रोल्स को अच्छे से रोल कर लेना है तो आप जब हम इसको तलेंगे तो पानी कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रेड जो है हमारी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और एकदम परफेक्ट रोल बन जाएगा पानी आपको जितना लगे आप उतना लगा के उसको कर सकते हैं बाद में जो मैंने दूसरा रोल बनाए थे उसमें मैंने क्या किया कि पहले ही ब्रेड को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया पानी लगा के पहली बार में थोड़ी सी हो गई थी गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं हुई थी बट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं हो जाता है कभी कभी है ना हमसे भी गलती हो जाती है तो फिर इस तरीके से मैंने बना के सारे रोल्स तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने लिए है जो स्लरी थी उसमें मैंने और पानी मिक्स करके उसको थोड़ा सा पतला कर लिया है उसमें रोल्स को डालेंगे और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ब्रेड क्रम्स में कोई सीजनिंग नहीं है ये सिंपल ब्रेड क्रम्स है और उस ब्रेड क्रम्स को जो है हम अपने रोल के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे अच्छे तरीके से दोनों तरफ से चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएँ बाएँ से अच्छे तरीके से लगा लेंगे रोल्स पर ये ब्रेड का उनको जब ये हम तलेंगे ना तो हमारी ये सीलिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमारे अंदर का जो मिक्सचर है वो तेल में फट के बाहर नहीं आएगा तो यहाँ पे हमारा ये देखिए रोल इस तरीके से तैयार हो गया इसी तरीके से मैंने अपने सारे रोल्स को लपेट लपेट के बढ़िया से तैयार कर लिया है वैसे तो रोल्स काफ़ी बने थे पर दूसरे दिन के मैंने स्टॉक रख दिया था अभी ये तो शाम के टाइम के स्नैक्स में हो गया अभी इनको हम तलेंगे तेल मेरा पहले से थोड़ा सा तले कुछ और भी चीज़ें मैंने तली थी तो इसलिए आप ये मैं समझिएगा कि तेल मेरा खराब है तेल में तो ऑलरेडी मैं तल रही थी तो अभी इसको हम लोग कम आंच पे मतलब मीडियम आंच पे हम इसको तलेंगे बिल्कुल आंच को कम भी नहीं रखेंगे और तेज भी नहीं तेज में रखा अगर तो हमारे रोल्स के जलने के चांसेस रहेंगे एकदम से ही जल जाएंगे तो मीडियम आंच पे अलट पलट के मैंने इसको अच्छे तरीके से तल के निकाल लिया आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये सुंदर लग रहे हैं गोल्डन ब्राउन कलर मैंने इसमें आ गया है बहुत ही सुंदर लग रहे थे और अब हमारे यहाँ पे जो है वो रोल्स मैंने सारे तल लिए हैं तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ म्योनीस दो टाइप के म्योनीस मुझे बड़ी अच्छी लगती है तो एक में तो मैंने डाला है टमाटो सॉस तो ये थोड़ी सी मीठी वाली हो जाएगी और एक में मैंने डाला है धनिया पुदीना की चटनी ये चटनी मेरे यहाँ फ्रीज हमेशा आती है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रंची वाली आवाज़ आ रही है ना एकदम बढ़िया क्रिस्पी बने थे हमारे रोल तो अब आ जाती है हमारी इनको डेकोरेट करने की तो इनको कर लेते हैं डेकोरेट दोनों म्योनीस रख लेते हैं तो ये देखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा था एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था तो मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेट कर लिया आई होप यू लाइक दिस वीडियो आप लोगों को ये वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आई है ना तो प्लीज़ उस वीडियो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इसको मैं आपको कट करके बताती हूँ कि अंदर से कितने अच्छे बने कितनी अच्छी फीलिंग आई है देखिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय